ये सरासर मालती और अर्जुन का सोची समझी ये साजिश है, चाल है। अपना ये परिवार नहीं देख रहे, अपने जिस्म का हवस मिटा रहे हैं और कुछ नहीं है। मालती का भी लीगल काम हुआ है, लीगल नहीं है। इस पे ये चाहे तो दोनों पर केस कर दें, जमानत नहीं होगा, 7 साल के लिए जेल जाएंगे अर्जुन। अर्जुन के माता पिता बोल दिए हैं कि मालती चौहान मेरे घर नहीं आएगी और विष्णु भाई तो रखेंगे नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है अर्जुन और मालती दोनों में कि आप लोग अपने अपने परिवार में वापस आ जाओ, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। और अगर शादी की बात तो जो तुम शादी की है वो शादी शादी नहीं माना जाएगा। 12 बजे रात में कोई शादी होती है। ये आज जो है विष्णु कल रात में जो मालती और की अर्जुन की है उनके घर में क्या कहेंगे? हम आए हैं, देखिए हमको ये बुलाई है फोन कर करके और बहुत रो रही थी, इनका हालत आप लोग देख सकते हैं कैसा हो चुका है। मैं देखिए मैं जितना हो सका उतना मैं सोची कि ये घर बस जाए टूटे ना, जबकि आप सभी लोग वहाँ पे थे थाने पर, सभी लोग ऐसा नहीं है कि चोरी से कोई काम हुआ है, सब कुछ सबकी सहमति से हुआ है, दोनों लोग के मर्जी से, दोनों लोग साइन भी किए थे सुलहनामा पर। और सुलह करने के बाद मुझे तो नहीं पता था कि आने के बाद ये सब इतना बड़ा गद्दारी करेंगे। सुलहनामा क्या शर्तें थी? जो शर्तें यही थी कि जैसे कि आने वाले समय में विष्णु राज राधिका से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और मालती चौहान अर्जुन से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। बल्कि जाने के बाद विष्णु मेरे पास कॉल करते हैं, बोल रहे थे कि भाभी अननोन नंबर से बार बार कॉल आ रहा है, मैं मोबाइल मांग रहा हूँ तो नहीं दे रही है। तो मैं मालती को बोली कि एक काम करो, जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है तो मोबाइल क्या नहीं दे रही हो, मोबाइल दे दो और जो कोई ऐसा फोन आता है तो उसको ब्लॉक कर दो। विष्णु से मैंने ये बात बोला कि उसको ब्लॉक कर दो और तुम एक काम करो कुछ दिन के लिए चाहे कुछ देर के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, जब तुम्हें और किसी से मतलब नहीं है, पति से मतलब है। और हर औरत यही करती है, उसका पति अगर पास में रहे तो उसको पता नहीं चलता मोबाइल मेरा भाड़ में जाए, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि पति से ही बात करने के लिए ज्यादा मोबाइल साथ में रखती है और नहीं तो अपने माँ बाप से, तो दिन भर तो अपने माँ बाप से कोई बात करेगा नहीं जो कि साथ में रखा रहेगा। तो मैंने यही बोला था कि तुम अपना मोबाइल दे दो विष्णु को जब वो मांग रहा बार बार। तो इन लोगों में थोड़ा सा हम जान रहे कि मेरे आने के बाद वहाँ से थोड़ा बहुत तुम्हें हुआ था और उसके बाद वहाँ से अच्छे से सब निकले थे, वहाँ पे अच्छे से सारा साइन फाइन सब कुछ हुआ था, ये सब मैटर था। और ये भी बोला गया था कि एक चैनल का खाता जो है मालती के नाम से रहेगा, एक चैनल का खाता विष्णु के नाम से रहेगा, जो कि मालती साहब बोल ये मानने को तैयार नहीं कि विष्णु उनको पैसे वैसे देते हैं, लेकिन ये सब अब तो लग रहा है कि सरासर झूठ है, क्योंकि अमरनाथ खुद ही बोल रहे थे कि मैं ही पैसा निकाल के लेके आने वाला हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आता है, तो अमरनाथ ने मुझे सारी सच्चाई बताई। तो मैंने यही मेरे हिसाब से जो भी लग रहा है कि ये सरासर मालती और अर्जुन का सोची समझी ये साजिश है, चाल है। अपना ये परिवार नहीं देख रहे, अपने जिस्म का हवस मिटा रहे हैं और कुछ नहीं। मालती का भी शादी हुआ है, बच्चा है, अर्जुन का भी है, तो इस पे क्या कहेंगे? इस पे यही कहेंगे कि ये इलीगल काम हुआ है, लीगल नहीं है। इस पे ये चाहे तो दोनों पर केस कर दें, जमानत नहीं होगा, 7 साल के लिए जेल जाएंगे अर्जुन और मालती भी, ठीक है? तो अभी भी उनसे यही कहा जा रहा है कि अगर दुनिया में न रहेंगे कहीं और तो नहीं न रहेंगे, दुनिया में रहेंगे कहीं ना कहीं पुलिस निकाल लेगी, जब कोर्ट एफआईआर होगा दर्ज होगा मुकदमा, पुलिस कहीं ना कहीं पकड़ लेगी, तो आपको या तो भागने देगा क्योंकि आपका सवाल कोई पूछेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है हर घर का बच्चा बच्चा जान चुका है ये लोग कैसे हैं कैसे नहीं, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जवाब नहीं पूछेगा, यहाँ तक कि आपकी वाइफ अर्जुन के माता पिता बोल दिए हैं कि मालती चौहान मेरे घर नहीं आएगी और विष्णु भाई तो रखेंगे नहीं, और नहीं इधर की हुई नहीं उधर की हुई। अरे जो पत्नी अपने पति के धोखा दे सकती है वो इंसान का है यार। इतना विष्णु भाई इतना प्यार करने वाले ना कभी उनको मिले नहीं होते, पर विष्णु भाई नाली के कीड़े में से उठाकर और उनके हीरोइन बना दिए, एक स्टार बना दिए, और आज जो ऐसे काम कर रही है हम लोग तो थू आ रहे हैं। और इससे इंसान समाज के गंदा करने वाले नाली के कीड़ा पता नहीं कहाँ से चली आई। अरे मालती चौहान तुम जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी, इतना सोच लेना कि कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगी। और गुरपुरिया भौजी के भी बदनाम करे और गुरपुरिया भौजी से भी हेल्प मांगे कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, आप सब हेल्प दीजिए प्लीज, मुझे हेल्प चाहिए। ये क्या है, ये सिर्फ नाटक था एक। अरे तुम इतने घटिया इंसान हो, हम लोग जाते थे ना तुम्हारे घर तब भी मैं पहचान गई थी, हम लोग के मुंह पे विष्णु भाई के गाली देती थी, हम लोग के मुंह पे वो उसको कितना पति के नीचा दिखा रही थी। अगर हम लोग 1000 लोग के समाज में अगर रहेंगे तो अपने पति के कोई गाली दे सकता है समाज के बीच में, वो समाज के बीच में गाली दी है, हम लोग के मुंह पे गाली दी है विष्णु भाई के, वो क्या अपने पति की इज्जत करेगी? जो पत्नी इतने हद तक गिर सकती है, अपने पति के रहते हुए किसी और से प्यार कर लेती है, किसी और के साथ फरार हो जाती है, किसी और से शादी कर सकती है। विष्णु भाई ना सिर्फ इसलिए शादी उसको कराए कि विष्णु भाई उनसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, और उनका दुख देखा नहीं गया इसलिए विष्णु भाई शादी कराए उसको, उस कमीनी को। मैं तो उसको भाभी अब बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि विष्णु भाई से हर पहचान था, हर रिश्ता था।
अब तो सिर्फ विष्णु भाई मेरे भाई हैं, और उनको ना कभी अगर विष्णु भाई के घर भी आ सकती है ना, तो हम भाभी और भौजाई बोल भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऐसा घटिया इंसान के ना बोलने में घिन आ रहा है। तो दोस्तों आप सब बताइए कमेंट में कि क्या सही है और क्या गलत है, और मिलती हूँ अगली वीडियो में, और वीडियो इसी पे एंड करती हूँ।